चलिए अब चेक कर लीजिए आ रही होगी वॉइस वॉइस चेक करिए अब आ रही होगी तो मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे नए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उनको क्या करना है पुरानी क्लासेस देखेंगे फाइनल अकाउंट और कोई भी नहीं उसके बाद टू भी कंटिन्यू करेंगे बेटर है बाकी आप आज वाली भी क्लास देखो समझ में सारा आएगा क्योंकि ये चैप्टर ना आपके लिए न्यू चैप्टर नहीं है इसको आपने पहले कभी ना कभी तो किया हुआ है सर पहले कभी ना कभी का क्या मतलब है पहले आपने ग्यारहवीं क्लास में किया हुआ है एग्जैक्टली exactly सेम अगर जिस बच्चे ने ग्यारहवीं में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था ये चैप्टर या ध्यान नहीं दिया था तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है बाकी तो बिल्कुल एकदम तो सही चैप्टर है ये चलिए सर एक एक करके पढ़ते जाएंगे अमाउंट डालते जाएंगे और जो एडजस्टमेंट है वो सीखेंगे हम ठीक है पहला पॉइंट कहता है कि हमें 31 मार्च का बनाना है 2021 में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एक लाख रुपए तो मैंने यहां पर लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक एक लाख ठीक है इसके बाद डेटर देता है डेटर हमारा एसेट्स का पार्ट है तो मैंने यहां लिख लिया डेटर डेटर चालीस हजार इसके बाद बैंक बैंक भी एसेट्स का पार्ट है थोड़ा गैप एडजस्टमेंट एक बार नजर मार लेते हैं सर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है सर अ लॉस स्टॉक बाय फायर दे रखा है ठीक है डेटर पे भी एडजस्टमेंट है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस भी है डेटर कॉमन भी है तो यानी डेटर पे खूब सारे एडजस्टमेंट भी है और 1200 सो वॉज डेबिट टू द लैंड लोड लैंड लोड का भी देख लेंगे क्या करना है ये भी एडजस्टमेंट है और फर्नीचर ऑफ द बुक्स ऑफ वैल्यू और चलो ये तो डेप्रीशियशन सोल्ड है और एक और दे रखा है आपका डेप्रीशियन डिसऑनर्ड ऑफ द चेक काफी सारे एडजस्टमेंट है बैंक पे भी हो गया तो मैं थोड़ा गैप दे के लिखूंगा यहाँ पे और बैंक लिख दिया मैंने और बैंक का अमाउंट कितना है कितने हैं दो हजार और क्योंकि डिसऑनर्ड और चेक है तो इसलिए मैं इसे अंदर लिखूंगा ये भी हो गया सर ये भी हो गया ये भी सन्ड्री एसेट्स अब ये सन्ड्री एसेट्स नॉर्मल एसेट्स है थोड़ा गैप देखे संडरी एसेट सर संड्री एसेट्स आ गया कितने हैं दो लाख क्या सन्ड्री एसेट्स के बारे में कुछ कहते हैं हाँ डेप्रीशियशन वगैरह है तो आगे देख लेंगे दो लाख बेड डेट्स सर बेड डेट्स पी एंड एल का पार्ट है तो यहां तक हमारा ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा ट्रेडिंग थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसमें रीजन बीइंग क्योंकि इसमें काफी एडजस्टमेंट है तो टू बेड डेट्स ये लीजिए आ गया बेड डेट्स कितने रुपए का बेड डेट्स है हमारा डेट्स है एक हजार रुपए का इसके बाद क्या है इनकम इनकम हमेशा हमारा एसेट्स होता है तो यहां लिख लेते हैं इनकम इनकम कमा लिया लेकिन मिला नहीं ये इनकम तो एसेट्स है ठीक है परचेज दे रखा है एक तेईस पांच सौ तो यहां पे लिखेंगे टू परचेस इस पर खूब सारे एडजस्टमेंट है तो मैं अंदर लिखूंगा परचेज एक तेईस पांच सौ इसके बाद डेप्रीशिएशन आपका ट्रायल में है तो भैया पी एंड एल के डेबिट में जाएगा दैट इज डेप्रीशिएशन अमाउंट है चार हजार पाँच सौ इनकम टैक्स ड्राइंग होता है ड्राइंग होता है हमारा क्या इनकम टैक्स एल और इनकम टैक्स दोनों क्या होता है ड्राइंग तो ड्राइंग है हमारा इनकम टैक्स कितने दस हजार पांच सौ तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए कैपिटल और कैपिटल में से माइनस क्या कर देना चाहिए ड्राइंग कितने हैं दस हजार पांच सौ ठीक है 500, इसके बाद इनकम टैक्स के बाद सैलरी है पी एंड एल का पार्ट है सर टू सैलरी कितने रुपए चार हजार छह सौ एडजस्टमेंट है इसलिए बाद में हम बाहर लिख रहे हैं इसे वेजेस वेजेस तो थोड़ा गैप देखें यहां, टू बाहर लिखना है कोई एडजस्टमेंट है नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन सिक्स मंथ छ महीने कह रहा है यानी खुद कह रहा है कि भैया छह महीने का ब्याज का हिसाब किताब हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन तो इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट बनता है तो इसलिए टू इंटरेस्ट और छह महीने का कितना है? एक हजार बाकी देख लेंगे क्या रहता है हमारा ठीक है ये बुक आपकी जे आर है और पूरा का पूरा हम बिल्कुल डी का सिलेबस फॉलो करेंगे जो जे आर है आपके कमेंट में भी मैंने डाला हुआ है बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक आप एमेजन से बाय कर सकते हो चाहो तो या कहीं भी नियर बाय शॉप से अपना ले सकते हो चलिए हाँ जी आगे क्या देखें आगे इस साइड आ जाते हैं कैपिटल एक लाख साठ हजार तो कैपिटल आ जाओ जी एक लाख साठ हजार क्रेडिटर पैंतीस हजार एक सौ पैंतीस हजार एक सौ इस पे एडजस्टमेंट है कॉमन डेट का तो इसलिए अंदर लिखेंगे सेल्स दे रखे है तीन लाख दो हजार तो बाय सेल्स इस पे भी एडजस्टमेंट है तीन लाख दो हजार डिस्काउंट अब देखिए डिस्काउंट में ये नहीं बोला कि डिस्काउंट रिसीव है कि अलाउड है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि डेबिट में है या फिर क्रेडिट में तो क्रेडिट में है डेट्स वाई डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा बाय डिस्काउंट और डिस्काउंट है हमारा चार हजार इसके बाद पी देखो क्रेडिट में है तो हमें पता है यहां सिंपल लिखना है पी एफ डी सैलरी आउटस्टैंडिंग ट्रायल के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी में जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए हैं दो हजार और लोन दस हजार है तो लोन भी लाइबिलिटी में लोन कितने हैं एक बार किताब में चेक करिए क्या इसके आगे रेट वगैरह दे रखा है या नहीं दे रखा है नहीं दे रखा चलिए कोई बात अब हम रेट खुद भी निकाल सकते हैं छह महीने का दे रखा है हम पूरे साल का निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे अभी देख लेंगे हम एडजस्टमेंट एक एक करके पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे यहाँ तक सभी को क्लियर है मैंने सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी थे ये सारे पॉइंट्स मैंने ट्रांसफर कर दिया है जहां भी जाना था आगे देखा जाए कहता है क्लोजिंग स्टॉक इकतीस मार्च को बीस हजार था तो क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह एंट्री हो जाती है एक तो बैलेंस शीट के एसेट्स में लेकिन क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इसे इन लिखने वाला हूँ दैट इज आपका बीस और एक चला जाएगा कहां हमारा इस साइड में बाय क्लोजिंग दैट इज बीस हजार ठीक है एडजस्टमेंट मैं थोड़ा इससे कर देता हूँ ठीक है आगे पहला एडजस्टमेंट डन हो गया दूसरा देर वॉज बासार का लॉस बाय फायर हुआ था और क्या लॉस बाय फायर हुआ था स्टॉक ये बात ध्यान रखना है लॉस लॉस बाय फायर में हुआ क्या है है हो सकता बिल्डिंग हो सकता है मशीनरी तो जिस पे हुआ है उसको माइनस करेंगे यहाँ तो लॉस बाय फायर क्या कह रहा है पच्चीस हजार बीस मार्च दो हजार इक्कीस अब एक बात ध्यान रखना है लॉस बाय फायर में कि भाई साहब आग कहीं ऐसा ना हो कि एक अप्रैल दो हजार इक्कीस दिखाए हुआ यानी डेट अक्सर क्या करता है वो आगे का दे देता है कंफ्यूज बच्चा देखता है कि चलो इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं लेकिन डेट हाँ कंफर्म है बीस मार्च इसी साल हुआ है क्लेम आपका रिसीव नहीं हुआ, दस हजार रुपए एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी यानी सर पच्चीस हजार रुपए का मेरा स्टॉक जल गया तो हमारा परचेज कम हो जाएगा लेस लॉस बाय फायर दैट इज पच्चीस हजार क्लेम हो गया हमारा दस का तो हमारा नुकसान हो गया दैट इज लॉस बाय फायर यहां से और जो ये लॉस बाय फायर में जाएगा ये जाएगा पंद्रह हजार और क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्लेम मिलेगा तो इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा एसेट्स में कितने रुपए का दस हजार तो आप ध्यान से देखिए हमने ये वाला एडजस्टमेंट डन कर लिया है सर कौन सा एडजस्टमेंट नंबर टू एडजस्टमेंट थ्री होपफुली आपको एडजस्टमेंट अगर नहीं दिख रहा ना तो मैं ऐसा करता हूं ना इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट वाला एरिया आपको अच्छे से दिख जाए चलिए एडजस्टमेंट वाला एरिया अच्छे से दिख जाए क्वेश्चन तो देख ही लिया आपने पहला एडजस्टमेंट डन दूसरा डन ठीक है दूसरे में किसी को कोई डाउट अब तीसरे पे आ जाते हैं डेटर इंक्लूड पांच हजार रुपए ड्यू फ्रॉम खुशी एंड क्रेडिटर इंक्लूड दस हजार ड्यू टू खुशी यानी एक ही व्यक्ति डेटर है और एक ही व्यक्ति क्रेडिटर है तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या बताया था जो कॉमन डेट होता है कॉमन डेट का क्या सोल्यूशन बताया था दोनों में से जो कम अमाउंट है वो दोनों तरफ माइनस कर दो तो सर दोनों में से कम अमाउंट अगर आप देखते हो तो पांच हजार है तो सर डेटर में से भी माइनस करो कॉमन डेट कॉमन डेट पांच हजार और क्रेडिटर से भी माइनस करो कॉमन डेट पांच हजार दोनों में से लोअर जो है ठीक है बाकी इसको थोड़ा और छोटा कर दें ताकि आपको दिखने में ठीक रहे चलिए अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं कहता है सेल्स इंक्लूड इधर आ जाते हैं पीछे यहां पे ठीक दिख रहा है कहता है सर क्या कहता है अगले एडजस्टमेंट में कहता है सेल्स इंक्लूड छ हजार रुपए सेंट टू क्रेडिट कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस पच्चीस मार्च मैंने एक ग्राहक को पच्चीस मार्च को बोला था भैया मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीद लो अप्रूवल बेसिस पे जिसके ऊपर प्रॉफिट वन फिफ्थ किस पे था कॉस्ट पे था और ये क्या है सर सेलिंग प्राइस है इसका मतलब सर इस पॉइंट में आपको सेलिंग प्राइस दिया जा रहा है 6000. और जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट दिया जा रहा है ऑफ़ ऑफ़ किसका कॉस्ट का. का. का ठीक है सर सेल प्राइस डिटरमाइन सेल प्राइस में जुड़ा हुआ है कस्टमर नॉट अप्रूवल कस्टमर ने भैया मना ही कर दिया तब हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी है एक तो कॉस्ट जानना एक सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस तो पता चल गया अब फॉर्मूला क्या होता है सर सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट कह लो जीपी कह लो सेल्स तो पता है छ हजार कॉस्ट नहीं पता एक्स और इसके ऊपर है तो एक्स बाय फाइव सॉल्व करोगे सिक्स एक्स आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ पांच हजार एक्स की वैल्यू क्या आ गई फाइव तो सिक्स एक्स अपॉन में फाइव तीस डिवाइडेड बाई फाइव हाँ पांच हजार आ गया तो एक्स का वैल्यू पांच हजार तो एक्स क्या था सर दैट इज एक्स कॉस्ट था तो यहाँ इसमें यह पता चल गया कि हमारा कॉस्ट कितना है और यह भी पता चल गया सेलिंग प्राइस कितना है अब सबसे पहले सेलिंग प्राइस का ट्रीटमेंट करते हैं एक डेटर से माइनस और एक सेल्स से माइनस क्योंकि ये हमारा सेल्स हुआ ही नहीं सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस के एडजस्टमेंट में देखा था तो एक तो डेटर से माइनस और एक सेल्स से माइनस तो लीजिए माइनस कर देते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस कितने रुपए सर सेलिंग प्राइस छ हजार उसके बाद डेटर में से भी माइनस करो लेस सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस कितने माइनस करने हैं सर छ हजार अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक में एड हो जाएगा सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस कितने हैं पांच हजार और यहां भी एड हो जाएगा हमारा एड सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पांच हजार ये हो गया हमारा चार देखिए आप अभी मेरा प्रोविजन प्रीवियस लेक्चर बचे हैं उन्हें कंप्लीट करूं या मैं कंटिन्यू करूं आप दोनों कर सकते हैं अभी आपको ये चीजें साथ के साथ लेके चलना होगा इतना टफ नहीं है बाकी प्रीवियस लेक्चर फटाफट आप निपटा देंगे उसको ठीक है अब देखिए क्या कहते हैं डेटर इंक्लूड बेड डेट्स अमाउंट तीन हजार भाई साहब डेटर में तीन हजार बेड डेट्स है और उसके बाद पांच परसेंट का क्या बनाना है इसपे प्रोविजन बनाना है इसके अंदर पांच परसेंट का प्रोविजन चलिए प्रोविजन सबसे लास्ट में बनाया जाता है ठीक है इससे पहले कहता है पेड रेंट डेबिट अकाउंट एंड इन डेटर हमने लोड को डेबिट कर दिया यानी बारह सो रुपए पेड क्या किया था पेड एज अ रेंट वॉज डेबिट लैंड लैंड अकाउंट इंक्लूड इन डेटर और हमने लैंड लोड को क्या मान लिया डेबिट कर दिया डेटर जबकि हमने पेड किया था तो इसका सही एंट्री क्या होना चाहिए सर डेटर में से माइनस हो जाना चाहिए ठीक है डेटर में होना ही नहीं चाहिए तो भैया डेटर में से माइनस कर दो ये एंट्री हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं है कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो कि आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा जैसे तो डेटर में से माइनस कर दो लैंड लोड कितने बारह सौ और सर ये रेंट पेमेंट किया है तो रेंट में जाना चाहिए तो रेंट हमारा कहाँ गया ये रहा रेंट नहीं है रेंट यहां तो टू रेंट और दैट इज बारह सौ रुपए देखिए एडजस्टमेंट ये थोड़ा सा अलग एडजस्टमेंट आया तो कुछ एक पॉइंट होंगे जो कि आपको खुद समझना पड़ेगा किसी बच्चे को डाउट इस एडजस्टमेंट में है तो बताइए एडजस्टमेंट क्या कहता है बारह सौ रुपए पेड रेंट रेंट पेड किया तो भैया पीएन के डेबिट में दिखाओ लेकिन डेबिट कर दिया लैंड लोड अकाउंट एंड इंक्लूड इन द डेटर यानी आपने एज अ डेटर मान लिया उसको और डेटर में कर रखा है तो भैया डेटर से हटा दो और रेंट में दिखा दो ठीक है अगला फर्नीचर के ऊपर है वो तो अलग से एडजस्टमेंट हो जाएगा एक्सचेंज वैल्यू जो कहता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी देख लेंगे कहता है अ डिस्काउंटेड चेक सॉरी एक डिसऑनर्ड चेक पांच हजार बिन रिकौर्ड़ी। रिकौर्ड़ी नहीं किया एक्सेप्ट ओनली ट्वेंटी परसेंट द अमाउंट टू बी रिकवर और इसमें से हमें सिर्फ कितने परसेंट अमाउंट रिकवर हुआ है? एक परसेंट तो एक चेक था यानी बैंक में से मेरे पांच हजार रुपए का डिसऑनर्ड हो गया जिसको रिकॉर्ड नहीं किया तो भैया पांच हजार माइनस कर दो और रिकवर कितना हो रहा है सिर्फ एक हजार तो यानी यहाँ पे आपका चार हजार का फिर नुकसान हो गया है कि नहीं तो अभी इसको भी कर लेते हैं पहले हम कर लेते हैं इसके ऊपर बेड डेट्स वाले प्रोविजन को तो बेड डेट्स वाले प्रोविजन को देखा जाए तो सबसे पहले माइनस क्या करो सर अब माइनस करो बेड डेट्स पहले बेड डेट्स सर सवाल खुद ही कह रहा है कितना बेड डेट्स है बताओ कितना बेड डेट्स कह रहा था सवाल आप देखो कि सवाल में कह रहा है कि भैया बेड डेट्स बेड डेट्स बेड डेट्स बेड डेट्स तीन हजार तो तीन हजार लिख लेते हैं इन सभी पॉइंट को नीचे लेके चलते हैं डेट पे देख रहे हो कितना एडजस्टमेंट हो गया पंद्रह सो दस हजार चलो अब इस सब में से माइनस कर देते हैं पहले डेटर उसी के बाद प्रोविजन लग सकता है हमारा चालीस हजार माइनस पांच हजार माइनस छ हजार माइनस बारह सो माइनस तीन हजार तो चौबीस हजार आठ सौ चौबीस हजार आठ सौ इसमें से माइनस कर दो पीएफडी पीएफडी सर कितना कह रहा है पीएफडी क्वेश्चन में देखो पांच परसेंट तो इस पर पांच परसेंट बारह सो चालीस और लगे हाथ माइनस करके मैं बाहर लिख देता हूं तेईस पांच सौ साठ अब हमें तीन हजार और बारह सो चालीस के डेबिट में दिखाना होगा तो टू बेडिट्स तीन हजार और ये वाला पी एफ डी यहां लिख देंगे टू पी एफ डी कितना था बारह सो चालीस ये लो हम एडजस्टमेंट को अगर देखें शुरू से एक बार फटाफट क्लोजिंग स्टॉक डन लॉस बाय फायर डन कॉमन डेटर डन सेल्स ऑन अप्रूवल डन डेटर इंक्लूड डन बारह सौ रुपए डन अब दो रह गए सात और आठ सातवें में क्या कहता है एक बार ध्यान से पढ़ते हैं कहता है फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू छ हजार और इकतीस तीन दो हजार इक्कीस यानी इकतीस तीन दो हजार इक्कीस की बात कर रहा है यानी लास्ट में ही बात कर रहा है एक फर्नीचर जिसकी कीमत छह हजार था वह सोल्ड ऑफ कितने का कर दिया इसको चार हजार का एंड पार्ट ऑफ एक्सचेंज न्यू फर्नीचर इसने खरीद लिया कितने का पांच द नेट इन हजार वॉज द पास थ्रू द परचेज बुक अच्छा इसका मतलब क्या है देखो समझो कहना क्या चाहता है ये कहना ये चाहता है कि भाई मेरा एक फर्नीचर जिसकी कीमत था छ हजार ठीक है और उसको आपने सोल्ड ऑफ और बोला मार्केट में कितने का बेच दोगे तो मार्केट में बिक जाएगा चार का यानी यहां तो आपका लॉस आपने उठा लिया कितने का तो ये लॉस तो पी के डेबिट में पक्का आएगा लेकिन आपने इन एक्सचेंज एक्सचेंज कर लिया इसको और आपने एक और न्यू फर्नीचर खरीद लिया कितने का पाँच हजार रुपए का जब आपने पांच हजार का फर्नीचर खरीदा तो आपको तो हजार ही देने हैं ना उसको आपका पुराना सामान कितने का बिक गया चार का और नया सामान खरीद रहे हो पांच का तो आपको हजार रुपए और देने तो जो हजार रुपए आपने देने थे ना आपने उसे परचेज बुक में इंक्लूड करा हुआ है कहां पे इंक्लूड किया हुआ है आपने तो परचेज में तो जाना नहीं चाहिए तो एसेट्स होना चाहिए तो सिंपल सी बात अगर आपने परचेज बुक में इंक्लूड कराया हुआ हजार रुपए तो लेस फर्नीचर कितना इंक्लूड करा हुआ है हजार रुपए और आपका एसेट्स बन जाएगा कितने का एसेट्स बनेगा That is आपका हजार का New assets कितने का खरीदा पांच का और पुराना एसेट्स आपने बेचा भी है कितने का बेचा है नहीं चार का बेचा है उसका वैल्यू कितना था छे तो दो हजार का लॉस तो हम लॉस को दिखा देते हैं यहां लॉस टू लॉस ऑन फर्नीचर कितने रुपए दो हजार अब देखिए आपका अब आ जाते हैं इधर सर फर्नीचर तो कहीं भी, भी एसेट्स में नहीं दे रखा तो बेचा कौन सा है भैया इसके अंदर जुड़ा होगा सेंडरी एसेट्स में तो संडरी एसेट्स में जुड़ा होगा तो सबसे पहले तो यहां से माइनस कर दीजिए सोल्ड जो सोल्ड किया है वो कितने का कॉस्ट निकल गया छह हजार का और फिर प्लस कर दीजिए जो आपने खरीदा है यानी परचेज परचेज कितने का किया है आपने तो आप देखेंगे नेट में इसमें एक हजार का ही फर्क आया है ठीक है कितने का फर्क आया एक हजार और आपका नेट में एक हजार यहां और एक हजार कहाँ से माइनस कर दिया आपने परचेज में से आपने माइनस कर दिया और एक मिनट पांच हजार पांच हजार एक हजार चार हजार हाँ तो बेचा चार का था लेकिन उसकी कीमत कितनी थी आपके पास छो तो हजार का सामान निकल गया ना आपके पास एसेट्स इतना क्या है लेकिन निकल कितने का गया आपका छ हजार का तो इसका मतलब छ हजार माइनस हो गया अब एंट्री को देखना छह हजार यहां माइनस होने का मतलब छ हजार हमारा क्रेडिट हो गया आ जाइए और पांच परचेज आपने कितने का किया पांच हजार का तो एक पांच हजार रुपए का एसेट्स जुड़ गया तो अल्टीमेटली आपका एसेट्स जो है एक हजार ही जोड़ पाए हो आप है ना और वही एक हजार रुपए आपने यहां परचेज से माइनस कर दिया यहाँ पे लॉस कितने का हो गया आपका दो हजार रुपए का नुकसान हो गया तो हमारा वहां पे एक हजार एक हजार दो हजार का जो नुकसान हुआ उसके दूसरे दूसरी, दूसरी एंट्री एक रह गई है ना एक इधर हो गया एक मिनट रुको एक मिनट लॉस हमारा हो गया दो हजार तो लॉस आ गया छह हजार एक्सचेंज ऑफ न्यू फर्नीचर पांच हजार नेट इनवॉइस एक हजार और पांच हजार का फर्नीचर हमारा जुड़ गया वहां पे भी एक हजार का फर्क पड़ा पेमेंट तो आया नहीं ना इसका तो हम क्या कर सकते हैं इसको एक काम करते हैं हम छह हजार की जगह पे अगर हम फर्नीचर स्टिल वन थाउजेंड माइनस है यानी एक हजार यहां से माइनस है और वहां पे एक। ये एक हजार हमारा हो गया क्रेडिट और यहां भी एक हजार ठीक है ठीक है सही है अब देखो मैं वो सोच रहा था डेबिट क्रेडिट मैच कर लेता हूं यहां पे हजार रुपए अभी भी हम नुकसान में हैं। नेट में तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया आपने सर यहाँ भी हजार रुपये क्रेडिट कर दिया दो हजार रुपये का क्रेडिट हो गया और दो हजार लॉस भी डेबिट कर दिया तो मैच हो ही जाना है ठीक है ना तो मैं ये चेक कर रहा था चलिए तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया हमारा डन तो इसका मतलब सर न्यू एसेट्स जो आपने खरीदा था पांच हजार का वो तो एसेट्स में प्लस हो गया और जो पुराना बिका था एसेट्स में माइनस हो गया और चार हजार को छोड़ दो लॉस हमने बुक कर दिया कोई दिक्कत

अगर ट्वेंटी परसेंट ही रिसीव हुआ तो यहां पे इस ट्वेंटी परसेंट का कोई रोल नहीं होने वाला अब देखें यहां पे क्या करेंगे सर यहां पे करेंगे एक तो हम बैंक को बढ़ा बैंक को माइनस कर देंगे किससे माइनस कर देंगे डिसऑनर कितने रुपए पांच हजार अब एक गलती हो गई यहां पे। माइनस तीन हजार हो गया तो यहां ना लिख के हम ओवर लिखेंगे ठीक है यहां पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में चला गया पैसा और ये कहां चला जाएगा हमारा ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा अब वापस से जब चेक चेकर्ड होगा तो किसी पार्टी से लिया होगा हमने कोई डेटर होगा या कोई बी होगा तो वापस से ये क्या बनेगा डेटर बढ़ जाएगा वापस से क्या होगा डेटर इंक्लूड हो जाएगा लेकिन समस्या ये है कि सर डेटर के ऊपर तो हम प्रोविजन भी लगा चुके हैं तो यानी वो प्रोविजन भी क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में गलत हो जाएगा ठीक है तो यानी अब पहले हमें इसे एड ऑन करना पड़ेगा और फिर वापस से हमें क्या करना पड़ेगा प्रोविजन यानी ये प्रोविजन हमारा गलत आ गया आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो और क्वेश्चन में क्यों की सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप ये भी तो कर सकते थे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बीस परसेंट मिलेगा बाकी बेड डेट्स हो गया तो बीस परसेंट वापस से कैश में जोड़ दो वापस से जोड़ दो यानी आपका कैश में बीस परसेंट जोड़ दोगे आप और जो बाकी का अस्सी परसेंट नुकसान हुआ पी एंड एल के डेबिट में डाल दो डेबिट में लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड है मतलब अभी एक्सपेक्टेशन है बैड डेट्स तभी मानते हो आप जब आपका हंड्रेड परसेंट हो जाता है तो एक तरीके से ये तो प्रोविजन हो गया एक्सपेक्टेशन किसका होता है हमारा प्रोविजन का होता है तो सेम अब हमें डेटर को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा आपका पहले देखिए प्रोविजन क्या दे रखा है दिखाना एक बार इसमें प्रोविजन क्या लिया हुआ है? चलिए, ठीक है यहां पे ना आपको नोट देखे जैसे मैं बता रहा था कि ये हमारा एडजस्टमेंट गलत हो गया गलती क्या करा क्योंकि एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है वर्ड इसको ध्यान दीजिएगा एक्सपेक्टेड का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता या फिर हमारा ऐसा होता है कि कंपनी को लगता है कि इतने पैसे डूब सकते हैं तो कभी नहीं होता अब यहाँ पे एक नोट देखे क्योंकि मैं पूरा सही तो करूंगा तो फिर पूरा हिल जाएगा आपके एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है यहाँ पे हम एक नोट दे सकते हैं वी अज्यूम दैट कि जो एक्सपेक्टेड है वो एक्चुअल अकर हो चुका है हम ये मान ले तो अब यहाँ पे हमारा काम क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा और एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा भैया इसने एक्सपेक्टेड का मीनिंग समझ लिया है तो एक्चुअल हो चुका है तो इसका मतलब सर पांच का हमारा डेटर था मतलब वापस हो गया इसमें से बीस परसेंट एक्सपेक्टेशन है तो हजार मिलेगा तो मतलब और कितने डूब जाएंगे मेरे चार हजार तो मैं उसको करने के बजाय मैं क्या करूं मैं क्या कर सकता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ चार हजार रुपए यहां दिखा देता हूं उसको करने के बजाय मैं यहां पे एज अ टू डेट्स और बेड डेट्स हो गया फर्दर कितने का चार हजार अब हजार मिले हैं ना आपको रिकवर हुए हैं आपके डेटर से एक्सपेक्टेशन है मिल जाएगा तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप एक काम करो ओवरड्राफ्ट को आपको समझ लो कि मिल गए पैसे अगर पैसे मिल गए तो ये ओवरड्राफ्ट कितना हो जाएगा दो हजार क्योंकि एक हजार मिल जाएंगे आपके तो कम हो जाएंगे या मान लो कि अभी डेटर देगा दे नहीं रहा तो ऐसे सिचुएशन में वापस से डेटर ऐड हो जाएगा लेकिन आपने जब फाइनल डिसीजन बना ही लिया है तो ये आपका रिकवर हो जाएगा तो रिकवर होने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया तीन हजार और प्लस रिकवर कितने एक हजार तो अब आपने दिखाना है ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट दो हजार समझ में आई बात आपको अगर मैं यहां करता तो पता है क्या करता लेस प्लस कर देता रिकवर रिकवर कितने एक हजार अब नेट अमाउंट करके फिर भी नेगेटिव था तो इधर आ जाता माइनस करना माइनस 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 तभी तो दो आएगा माइनस करने को ठीक है कोई दिक्कत और क्या रहेगा कौन सा इंटरेस्ट का रह रहा है ना एक और हाँ कौन सा सेल्स और अप्रूवल देखते हैं अभी चलिए एक और एंट्री जो था हिडन एडजस्टमेंट ये कह रहा है खुद ही कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ये छह महीने का है अगर ये इंटरेस्ट छह महीने का हजार है तो बाकी के छह महीने का कितना होगा एक हजार होगा तो वापस से हम एड ऑन कर देते हैं इंटरेस्ट प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दैट इज एक हजार और ये अगेन आ गया दो हजार और एक लाइबिलिटी में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और एक हजार अब बताइए आपको जो जो एडजस्टमेंट दोबारा पूछना है मैं दोबारा क्लियर करता जाऊंगा नहीं एल के अंदर बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे अकाउंट्स के तो राइटर के ही लेने पड़ेंगे आपको बुक हाँ क्या बोल रहे हो मैं एक एक करके सारा एडजस्टमेंट दोबारा बता दू ना चलिए मैं एक एक करके सारा एडजस्टमेंट दोबारा बताया तो इसको मिटा दें इस बार ये जितना भी किया है इसको मिटा दिया जाए और सारा एडजस्टमेंट जो भी आपके दिक्कत है मैं सारा बता दूंगा मैंने कर तो दिया है लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए अच्छा ये हुआ है शीट और एक चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में तो इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है यहां तक क्लियर अगले पॉइंट पे आते हैं देयर वॉज लॉस बाय फायर पच्चीस हजार पच्चीस हजार रुपए का जब कभी भी नुकसान होता है हमेशा परचेज कम हो जाता है हमारा क्योंकि हमारा स्टॉक ही जला होगा कई बार बुक के अंदर ये स्टॉक को कम करते हैं लेकिन हम परचेस का फिक्स रखेंगे कि परचेस कम हो जाएगा तो 25,000 से हमारा परचेस कम हो जाएगा जो कि मैंने देखोगे तो 25,000 से परचेज माइनस कर दिया 10,000 जब आपको मिल ही रहा है तो नुकसान तो 15 का ही हुआ ना तो आप देखोगे मैंने लॉस बाय फायर में कितना दिखाया है पंद्रह हजार और क्योंकि 10,000 आपको मिल जाएगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आप देखोगे कि क्लेम आपका कितना हो रहा है यहाँ पे दस हो रहा है दूसरे एडजस्टमेंट में बताओ किसी को डाउट तीसरा कॉमन डेट, डेटर इंक्लूड फ्रॉम खुशी एंड इंक्लूड दस हजार टू ड्यू टू खुशी यानी पांच हजार रुपए डेटर में इंक्लूड है खुशी से लेने और दस हजार हमें देने हैं तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो सकते हो तो सिंपल है जो दोनों में से कम अमाउंट होता है वो डेटर में से भी माइनस करो और क्रेडिटर तो वही काम हमने यहां पे किया है यहां पे मैंने डेटर में से भी माइनस कर दिया दोनों में से कम था पांच हजार तो कॉमन डेट यहां से भी पांच हजार माइनस किया और यहां से भी पांच हजार माइनस किया दैट इज आ गया आपका तीस हजार सौ रुपए ठीक है चलिए अगले एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस कहता है सेल्स में छह जुड़ा हुआ है अगर कह रहे हैं कि सेल्स इंक्लूड छे है तो इसका मतलब सर ये तो सेलिंग प्राइस हुआ छह अगर मैं कह रहा हूं में हुआ है, तो सेलिंग प्राइस हुआ छह हजार आगे क्या कहता है में? जो कमाता था ना, अगर मैं बोलता हूं वन फिफ्थ ऑफ सेल तो टेंशन ही नहीं था इसी का निकाल लेता क्या कहता है one -fifth of cost. तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा तो फॉर्मूला क्या लगाया हमने सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में जीपी कह लो प्रॉफिट कह लो तो सेल्स हमें पता था छह हजार कॉस्ट नहीं पता तो एक्स जीपी एक्स का फाइव हो जाएगा हमारा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल के आ गई पांच हजार अब पहले हम सेलिंग प्राइस को देख लेते हैं तो सेल्स माइनस करो सेलिंग प्राइस को ये कर दिया जी माइनस एक दूसरा क्या करो आप माइनस डेटर माइनस करो तो देखिए मैंने यहाँ डेटर भी माइनस कर दिया है अब आ जाते हैं कॉस्ट की बात तो कॉस्ट ना आपका स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि आपका वो सामान बिका ही नहीं जो आपने माना हुआ था तो एक तो ये क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो गया आपका आ पच्चीस हजार और एक बैलेंस शीट के एसेट्स में भी जो है वो भी प्लस हो गया दैट इज आ गया पच्चीस हजार देखिए क्लियर हो गया एडजस्टमेंट डेटर इंक्लूड डेट डेट्स तीन हजार तो रिजर्व तो बेटर डेटर में तीन हजार था तो ये सबसे लास्ट में एडजस्टमेंट इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे बारह सौ रुपए रेंट डेबिट दे रखा है लैंडलॉर्ड को जो कि डेटर में माना हुआ है तो हमने क्या करा भैया डेटर में से माइनस किया और रेंट में एक्चुअल में जहां पे जाना चाहिए वहां दिखा दिया अब बेडेट तीन हजार है तो वहां भी माइनस किया और पी एंड एल के डेबिट में भी लिख दिया मैंने तीन हजार रुपए इसके बाद कहता है प्रोविजन तो प्रोविजन वहां लिखा और प्रोविजन यहाँ पे भी दिखा दिया मैंने जो भी निकल के आया बारह सो चालीस रुपए कहता है फर्नीचर में कहता है फर्नीचर हमने छह हजार रुपए का था उसको बेच दिया तो भैया मेरा छह हजार फर्नीचर गया तो हमने एसेट्स में से छह हजार माइनस कर दिया लेकिन उसको बेचा हमने चार में तो दो का नुकसान हो गया तो दो का नुकसान हमने यहाँ बुक कर दिया इसके बाद एक और न्यू फर्नीचर खरीद लिया कितने का हजार का तो मैंने बैलेंस शीट के एसेट्स में पांच हजार रुपए को जोड़ दिया लेकिन कहता है जो हजार रुपए हमने उसको पेमेंट किया वो हजार रुपए हम परचेज में जोड़ के बैठे हुए हैं तो भैया वो परचेज का पार्टी नहीं है तो हमने क्या करा परचेज से भी उसको फर्नीचर को माइनस कर दिया ठीक है आगे क्या कहता है सर अब बिल्स डिसऑनर्ड चेक चेक किससे हम डेटर से मान के चल रहे तो जैसे ही चेक डिसऑनर्ड हुआ तो पांच हजार रुपये मैंने किससे माइनस कर दिया डेटर से भी माइनस कर डेटर नहीं बैंक से माइनस क्योंकि चेक डिसऑनड होगा तो बैंक पे फर्क पड़ेगा दूसरा मैंने मान लिया कि बीस परसेंट जो है वो बेड डेट्स मिल जाएंगे बाकी डूब जाएंगे तो बीस परसेंट हजार मिलेगा तो वापस बैंक में एड कर दिया और जो चार चार हजार रुपए बेड डेट्स हो गए उसको मैंने अलग से दिखा दिया न्यू बेड डेट्स में लिख देता हूँ चलो याद रहेगा ये वाला है अब बस सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग का काम रह गया फटाफट टोटलिंग का काम कर लेते हैं नहीं पहले टोटल तो करें इसका क्या आ गया टू लाख और ये टोटल तीन लाख इक्कीस हजार थ्री लैख ट्वेंटी और नेट प्रॉफिट क्या फोर फाइव हंड्रेड नाइन्टी फाइव फाइव हंड्रेड चेक भी कर लीजिएगा आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट नहीं है ये, ये ग्रॉस प्रॉफिट है ये आ गया हमारा नाइन फाइव फाइव डबल जीरो कितने आ रहे हैं बुक से मैच मत करिएगा क्योंकि बुक वालों का अलग आएगा ये आ गया एक लाख माइनस सैलरी का कुछ पार्ट था नहीं छियालीस सौ आ जाओ माइनस बारह सौ माइनस एक हज़ार माइनस पैंतालीस सौ माइनस छियालीस सौ माइनस दो हज़ार पंद्रह हजार माइनस तीन हजार माइनस बारह सौ चालीस माइनस दो हज़ार माइनस चार हजार सिक्सटी सिक्स नाइन सिक्स जीरो देखिए नेट प्रॉफिट, हाँ सिक्सटी सिक्स नाइन सिक्स जीरो अब बुक के अंदर देखोगे ना तो ये डेटर इतने सारे देखने को नहीं मिलेंगे उन्होंने एक ही जगह इकट्ठा एडजस्टमेंट करके दिखा दिया हाँ भाई माइनस प्लस तो आपको उस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है आपको सिंपली समझ में आता गया उस स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे ठीक है चलिए नेट प्रॉफिट कहाँ चले जाएगा सिक्सटी सिक्स नाइन सिक्स जीरो एड हो जाएगा नेट प्रॉफिट सिक्सटी सिक्स नाइन सिक्स जीरो बैलेंस शीट का टोटल अलग नहीं आएगा क्योंकि हमने अलग अलग प्रोविजन किया था वो बीआर की वजह से और कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस सिक्स नाइन सिक्स दो सोलह चार सौ साठ दो सोलह चार सौ साठ प्लस एक हजार प्लस तीस एक सौ प्लस दो हजार प्लस दस हजार प्लस दो हजार हजार रुपए दोनों साइड कम आएगा क्योंकि मैंने उधर नहीं माना इसे तो छब्बीस पंद्रह साठ चेक करिए आप छब्बीस पंद्रह साठ ठीक है आप इधर का टोटल चेक कर सकते हैं माइनस दो पैंतीस साठ माइनस पंद्रह सौ माइनस पंद्रह सो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया इसको ठीक कर लेना ये पंद्रह सो नहीं होगा दो लाख अब इसको टोटल कर लेते हैं दो लाख एक हजार पांच सौ क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है तो यह गया दो बावन पांच सौ साठ इकसठ और कुछ रह गया क्या उससे मतलब नहीं उससे नहीं एक मिनट तेईस पांच सौ साठ प्लस ये सही माइनस क्या है ना ये हाँ ठीक है बीस पंद्रह सो फिर पंद्रह सौ रूड इनकम फिर पच्चीस हजार है अच्छा फिर दस हजार है मैंने एक हजार ले लिया था तो ठीक आ रहा है दोनों साइड ना कोई फर्क नहीं है ठीक है तो ये हमारा ठीक हो गया आ, कहना है सर एस की पीडीएफ फ्रॉम में बुक प्रोवाइड पढ़ने की नहीं है देखो जो एसओल के अंदर ना किताबें मिली हैं आपको सारी किताबी की बात नहीं कर रहा अकाउंट्स की किताब आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है इवन दो SOL के अंदर ना आपका तो कुछ ऐसे भी चैप्टर डाल दिए बुक में जिसका कोई मतलब नहीं है एसओल के अंदर आप देखोगे सिंगल एंट्री सिलेबस का पार्ट नहीं है किताब में सिंगल एंट्री मिलेगा ठीक है और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि नहीं है जब पूछा गया जब मैंने पता किया एसओएल में कि सर ये बुक तो गलत प्रिंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं अकाउंट्स की बुक बोला यार वो पुरानी होती है छप जाती है छोड़ो हटाओ उनका कहना ये था तो स्ट्रिक्टली आपको डी का सिलेबस फॉलो करना है ना कि एसओएल का स्टडी एस मटीरियल बहुत सारी चीजें स्टडी मटेरियल में मिस्टेक भी होता है लेकिन बहुत सारे बच्चे ना स्टडी मटेरियल के पीछे भागते रहते हैं तो एस पर जो अदर राइटर के बुक है जैसे जी आर मुंगा है और टेन ईयर भी पूरा मैंने कस्टमाइज करके बनाया हुआ है आपके एसओ एल के सिलेबस के हिसाब से ही तो आपका शिवदास का टेन ईयर आता है वो भी नियर बाय मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा तो आपका अभी अभी बाकी टेन ईयर बाद में करेंगे पहले आप इसकी बुक को अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो और बाकी अदर सब्जेक्ट हो गया जैसे कि बिजनेस लॉ हो गया आपका जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हो गया ये आप एस की मटेरियल से भी पढ़ सकते हो और अदर राइटर के से भी पढ़ सकते हो अकाउंट्स कभी भी नहीं पढ़ा जाता एस के बुक से ये ध्यान रखना है बच्चे कह रहे हैं सर आउटस्टैंडिंग सैलरी एड होगा एंड सैलरी में सैलरी में एड नहीं करा मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने अलग से दिखा दिया नहीं बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में दे रखा था ट्रायल में दे रखा था हाँ ट्रायल बैलेंस में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना ट्रायल बैलेंस वाला हमेशा आप एडजस्टमेंट अगर आपने शुरू से देखा हो तो एक ही एंट्री होता है दैट इज बैलेंस शीट के लाइविलिटी में इसमें ऐड नहीं होगा जी ठीक है बताइए कोई डाउट फटाफट नोटिंग करिए फिर